Yes, no. सो वेलकम फ्रेंड्स आप सब लोगों का के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीसी में गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्या आप लोग सुन पा रहे हो देख पा रहे हो वेरी वेरी गुड इवनिंग सो गाइस आप सब लोगों का इम्पोर्टेंट वाइक्यू सीरीज पीवियस क्वेश्चन ऑन इकोलॉजी एनवायरमेंट में बहुत बहुत स्वागत है मेरे फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग राम अनुरूपा देवलिना दीपिखा गाइज आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है राजेश क्षितिज एजाज दीपक वेरी गुड इवनिंग आई एम फाइन आप वो कैसे हो मुझे आप बताए गाइस जितने लोगों ने पार्ट वन और टू नहीं देख पाया नहीं देख पाए ड्यू टू एनी रीजन आप इसे जरूर देखेगा ओके माई सेल्फ अजीत तिवारी हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन फिफ्टीन ईयर्स मेंटर्ड मोर देन टेन लैक स्टूडेंट्स चाहे ऑनलाइन की बात करें ऑफलाइन की बात करें गाइज अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट अजीत लाइव पे फॉलो कर ले, है ना आपके लिए वन स्टॉप जितनी मेरी क्लासेस प्लस पे आइकॉनिक में पास कोई सब्सक्रिप्शन हो फ्री स्पेशल क्लासेस ये सारी आपके लिए एसेबल होंगी आप उसे देख पाओगे के गाईस? के गाइस गाइस माय तो फ्रेंड्स एक बहुत ही औसम awesome सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट टारगेट इज कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम उन बातों पे ज्यादा फोकस करें जिनसे हमारे कंसेप्ट की क्रिस्टल क्लियर होने की संभावना है फोकस मोर ऑन दैट पार्ट इंफॉर्मेशन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑसम टीम आपके लिए अवेलेबल है चाहे वो प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो गाइस स्पेशल प्राइस वीक इज गोइंग ऑन ओनली लास्ट थ्री डेज आर रिमेनिंग 17th सितंबर तक ये आपके पास ऑसम ऑफर अवेलेबल है मतलब अगर आप फ्रेशर हो यू कैन गो फॉर वन ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर example, फी इज 46,740. मात्र फोर्टी सिक्स सेवन फोर्टी में वन ईयर आपके पास कंप्लीट जी एस पेपर वन पेपर टू फिल्म के मेन के सारे सब्जेक्ट ऐसे राइटिंग इथिक्स सब कुछ और इंटरव्यू ऑप्शनल फिल्म स्टेश मेन ओनली एट दिस कॉस्ट आपको कोड अप्लाई करना है अजीत लाइव एंड फॉर टू ईयर इट इज सिक्स सिक्स फोर्टी थ्री सेवेंटीन तक ही अवेलेबल है डिस्काउंट आपके साथ कोड पे है और टेन परसेंट आपके पास एडिशनल स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है कॉम्बैट हर संडे इलेवन ए एम आपको अनलॉक करना है कोड अजीत लाइव और कॉम्बैट में सिपेट करना है फ्रेंड्स दिस इज लास्ट मंथ एट दिस प्राइज और फी हाइक होने वाली क्वेश्चन इज कॉम्बो क्यों ले मैंने आपको बताया कॉम्बो इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन पूरा प्रीलिम्स मेन्स इंटरव्यू जीएस ऑप्शनल इथिक्स ऐसे एंसर राइटिंग सब कुछ कवर है एट आपके पास अवेलेबल है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फोर सेवन फिफ्टी फॉर वन ईयर यहाँ पे अप्लाई करना है कोड अजीत लाइब गाइज फ्री क्लासेस हो फ्री स्पेशल क्लास आज मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जोग्राफी के करेंट अपडेट्स पे दो क्लासेस मैंने ली थ्री पी एम पे एक सेशन था और दूसरा फाइव पी एम पे था तो टू सेशंस आई टुक बैक टू बैक और अभी आपके सामने मैं अवेलेबल हूँ जितने लोगों ने ये फ्री स्पेशल क्लास नहीं किया गाइज अगस्त महीने के 2021 जो बीता है अभी इसके मैंने करंट अपडेट्स जुलाई के करंट अपडेट्स कराए हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अंकिता स्वागत है आपका गाइज क्या करें इस फ्री स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए बिल्कुल फ्री है आपको अप्लाई करना है कोड अजीत लाइव मतलब अब आप इस प्रीवियस एयर क्वेश्चन सीरीज के लिए तैयार हो जाएं गिव मी अ बिग थम्स बगैर टाइम और लगाए हुए हम जल्दी से सीरीज को स्टार्ट करें एक जबरदस्त जमाजम थम्सअप आप दें और हम लोग सेशन को स्टार्ट करें यू टू स्वागत है आपका अंकिता रायकांती ठीक अनादि अभी स्टार्ट करेंगे ठीक कम ऑन क्वेश्चन नंबर वन ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर वन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिल्कुल शिवानी टेन पीएम पे मैं लाइव आता हूं अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मिजोरम किसके पास ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है हु इज हैविंग ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट किसके पास ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ओके सोच समझ के आंसर करना क्या हिमाचल ट्रॉपिकल वेट में आएगा पापाई देवलीना देवसिखा दीपक मणिकांत आरजे अंकिता गाइस अगर मैं आपसे बात करूं गुड फ्रेंड्स तो अरुणाचल प्रदेश इज यस मिजोरम इज यस लेकिन हिमाचल प्रदेश तो नहीं आएगा वन एंड थ्री सी इज द राइट आंसर बिल्कुल मयंक अंकिता दीपिखा देवलीना आर्यन राम पापाई विक्रम बिल्कुल अगर मैं आपसे नॉट पूछता तो आप हिमाचल की बात करते गाइस ऑप्शन सी इज करेक्ट वेस्टर्न घाट में हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा वेस्ट बंगाल अंडमान और निकोबार इनके पास इस तरह के कंडीशन मिलेंगी। आइए इस बात को और समझते हैं हिमालयन हाइट्स आर मार्क विथ टेम्परेट वेजिटेशन वेस्टर्न घाट यानी अगर मैं हिमाचल की बात करता तो वेस्टर्न घाट अंडमान एंड निकोबार हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेल्टाइक रीजन हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैंग्रोव्स डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट राजस्थान की बात हो रही है है ना ठीक तो यह बात हमें समझ में आ रही है क्लियर ऑप्शन सी इज करेक्ट तो हमने क्या देखा यहां पे वार्म और ह्यूमिड एरियाज एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर और मीन एनुअल टेम्परेचर एबव 22 डिग्री सेंटीग्रेड अब जो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कल वाली क्लास में हमने किया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेल स्टेटिफाइड टीयर लाइक अरेंजमेंट, वेल डेवलप्ड इपिफिटिक लेयर्स 60 मीटर और अबव की ट्री हाइट स्पीसीज लाइक रोजवुड मोहोग एनी इबोनी एंड सोन गाइज आपके पास एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है न्यूली मेड दिस चैनल आप इसे ज्वाइन कर लें और फॉर योर वन स्टॉप सोल्यूशन दिस इज योर कोड कम ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड पे पॉसिबल है बिल्कुल क्या मुझे आप वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करेंट्स जहां जहां वार्म और कोल्ड ओशनिक करेंट्स मिलेंगी क्या मुझे आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो है ना जहां जहां गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं मिलेंगी वहां वहां हमने न्यू लैंड के पास के रीजन को गाइस देखा है याद आ रहा है क्लियर फाइन ओशनिक करेंट सी इज द राइट आंसर जब वार्म और कोल्ड करंट मिलेंगी ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक आदप्लवक की ग्रोथ होगी जू प्लैंगटॉन्स छोटी मछलियां बड़ी मछलियां और बनाएंगे फेवरेट फिशिंग जोन बिल्कुल पापाई वेरी गुड यू टू वेरी गुड मणिकांत क्षितिज इशिका गाइस गॉड ब्लेस यू बिल्कुल आइए गाइस एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगर आपको लगेगा पेस फास्ट हो रही है तो मैं स्लो कर दूंगा इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड तो आप क्या समझें क्या समझें मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड से वट डज इट इम्प्लाई अरे फास्ट, आप एंसर में क्वेश्चन का नंबर भी जरूर लिखें कि आप क्वेश्चन वन का आंसर कर रहे हो टू का कर रहे हो या थ्री का कर रहे हो वेल डन क्षितिज इशिका राम आदित्य दीप सिखा नंबरिंग डाले प्लीज। आप प्लीज मैंने आपसे कहा था कि मॉन्टेस रिकॉर्ड में वो वेटलैंड आएंगे जहां पे उनके इकोलॉजिकल करेक्टर्स या तो चेंज हो चुके हैं या चेंज हो रहे हैं या आने वाले समय में चेंज होंगे उनको आप मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में डालोगे क्या इंडिया के पास कोई वेटलैंड मॉन्ट्रस रिकॉर्ड में है क्या यस और नो अगर है तो क्या आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओगे एनी वेटलैंड ऑफ इंडिया अंडर मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड हरी अब गाइस। बिल्कुल लोकटक लेक और केवला देव नेशनल पार्क दिस टू आर अंडर दिस चिलका लेक पहले थी लेकिन चूंकि वो इकोलॉजिकली रिकवर्ड हो गया है नाउ इट इज टेकन आउट वेल डेंग तो मैंने आपको रेमसर कन्वेंशन के बारे में खूब डिटेल में समझा दिया है कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज पेज इज ओके ना पेज ठीक है अगले सवाल पे आए विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन वेटलिन इंटरनेशनल इन्तर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ध्यान से देखिएगा आप गुड इवनिंग कैफ कैसे हैं आप गाइस क्वेश्चन नंबर भी आप मेंशन करें क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करें आप माइडर फ्रेंड्स बहुत प्यारा क्वेश्चन है कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा है वेल डन करण दीप शिखा यू टू दीपक कैफ पापाई राकेश इशिका माइडर फ्रेंड्स टू ओनली बी इज द राइट एंसर कई बार आप गलत एंसर करोगे तो भी मैं वेल डन बोलूंगा वेल डन फॉर योर एफर्ट नॉट फॉर द एंसर और देखना जब वेल डन बोलूंगा तो जो लोग कंफ्यूज होंगे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे दे विल टेक यू टर्न जो बी को भी सही सोच रहे होंगे है ना? और जब मैं सीप वेल्डन बोलूंगा तो दे विल टेक यू टर्न और वो मेजोरिटी बहुमत में आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट वेटलैंड इंटरनेशनल इज द ओनली ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू तो करेक्ट है डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड दलदलों को किडनी ऑफ नेचर को कंजर्व करना रिस्टोर करना अगर लॉस हो चुका है तो उसे रिस्टोर करना वेटलैंड दलदल एक ब्रॉड टर्म है जिसे हमने रैमसर कन्वेंशन के तहत डिफाइन किया है लेख पॉन्ड स्वैम्प, मार्स बॉग रिवर ये सबके सब वेटलैंड के, के अंतर्गत आएंगी आइए इस बात को और समझते हैं सो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट इट इज ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड एक स्टेटमेंट टू इज करेक्ट तो हमने देखा टू इज करेक्ट वन इज नॉट करेक्ट नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए एक तरफ वेटलैंड दूसरी तरफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर दिस इज कॉन्फ्लुएंस सी ओ एन एफ एल यू ई एन सी ई हरिके केवला देव कोलेरू दूसरी तरफ नदियों का कॉन्फ्लुएंस है आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है आपका आंसर जो भी हो लिखना फाइव का ए फाइव का बी फाइव का सी फाइव का डी ऐसे लिखना आप ओके 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 बी केयरफुल गाइस बी केयरफुल बी अटेंटिव बी केयरफुल माइडर फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन पे जाए वेल्डन पापाई कैफ राम इशिका अयाजुल वानी गाइस राइट आंसर इज ए ओ माय गॉड किसी ने ए किया है क्या किसी ने यस राम ने ए किया है ए इज द राइट आंसर आइए समझते हैं हरिके वेटलैंड लार्जेस्ट क्या आपको मालूम है ये लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड है मानव द्वारा निर्मित ब्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे ठीक 1990 में 1990 में रैमसर के तहत यह मेंशन हुआ केवला घाना नेशनल पार्क गंभीर और बान गंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे स्थित है नॉट बानस एंड चंबल गंभीर और बान गंगा। गलत क्वालू लेक की बात करूं तो माइडर फ्रेंड्स इस पे आपसे बात करेंगे ये भी यहां स्थित नहीं है कॉन्फ्रेंस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा मूसी नहीं यहाँ पे गोदावरी होगा सेकेंड और थर्ड सही नहीं है आइए जरा गलत हुआ तो घर की बात है इंपॉर्टेंट इस कि हमने कितनी बातों को सीखा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है हरिके वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कन्फ्लेंस ऑफ सतलज एंड ब्यास पेयर टू इज नॉट करेक्ट फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुस ऑफ गंभीर एंड बांध गंगा रिवर्स और थ्री की बात करें थ्री इज आल्सो नॉट करेक्ट कोलेरू कहां पे है गोदावरी और कृष्णा गाइस क्या कोलेरू साइट है यस क्या वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत प्रोटेक्ट हो रहा है यस क्या वो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है यस यहां से क्वेश्चन बनेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट केवला देव जो कि मॉन्ट्रेक साइट है इसी को आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसी को आप केवला देवघाना बर्ड सेंचुरी बोलते हो यही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी है दिस पॉइंट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करने वाली है क्लियर गाइस क्या आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को एंजॉय कर रहे हो इस पूरे सीरीज में क्या मैं और आपको इस तरह के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका करते जाऊं यस नो माय डियर फ्रेंड्स लेट मी नो यस गिव मी अ बिग थम्स अप यस गिव मी अ बिग थम्स अप एंड माय डियर फ्रेंड्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन Additional information is very, very important for you guys. Which one of the following is an artificial lake? आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन खूब दूंगा डन ओके क्या बात है ईशिका दीप देवलीना संजीव राहुल शिवा दीपक ठीक माय फ्रेंड्स यहां अगर मैं बात करूं तो गाइस ए इज द राइट आंसर कुदई केनाल तमिलनाडु जितने लोगों ने ये आंसर किया है इट इज ओके ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है मेरे फ्रेंड्स कोदई के नाल फाइनेस मैन मेड लेक ध्यान सुनना गाइस एक प्लांट है बाहर से आया हुआ घर पतवार है एग्जॉटिक इन्वेजिव नॉन नेटिव एलियन जिसका नाम है सालवेनिया मोलिस्टा माई oh गॉड पूरे इस झील के ऊपर सालवेनिया ने झील को कवर किया है कवर करने से झील में लाइट का इफेक्टिव पेंट्रेशन और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन दोनों कम हुआ यही झील की आज के डेट की समस्या है उस झील में मिलने वाली सीमित जातियां एंडेमिक स्पीसीज दे आर डाइंग माय डियर फ्रेंड्स क्यों मर रही है यही सवाल अब यूपीएससी आपसे घुमा के पूछेगी कोदई के नाल आर्टिफिशियल लेक ऑफ तमिलनाडु इज रिसेंटली इन न्यूज क्या भाई प्रॉब्लम ऑफ एक्सॉटिक स्पीसीज साल्वेनिया मोलेस्टा प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन वेलेबिलिटी ऑफ लाइट क्योंकि पूरे झील के एक्सपोज सरफेस को इस बाहर से आई हुई खर पतवार ने क्लॉग कर दिया है गाइज अभी जस्ट मैंने पीछे आपसे कोलेरु लेक की बात की है जो वन ऑफ वन ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है किन दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे कोलेरु है जो एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी है अटापका बर्ड सेंचुरी भी है रेमसर साइट भी है स्पॉट बिल पेलिकन के लिए मशहूर भी है दो नदियों के नाम फ्रेंड्स, नेम टू रिवर अभी मैंने आपसे बताया तुरंत कृष्णा एंड गोदावरी बिल्कुल वेल्डन well मनी कृष्णा एंड पापाई वेल डन गाइज अगर मैं नैनी लेक उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के नैनीताल टाउन के पानी का मुख्य स्रोत ये नैनी लेक है रेणुका की बात करूं हिमाचल प्रदेश क्या रेणुका गाइज रैमसर साइट है क्या ये जो मैं आपको एडिशनल एक्सप्लेन कर रहा हूं यही आपके एग्जाम के लिए आने वाले सवालों में महत्वपूर्ण बनेगा ठीक रेणुका जी टेम्पल इसी झील के किनारे ये एक रैमसर साइट है क्या है गाइस रैमसर साइट है लैंड फॉर सिग्निफिकेंस फाइन वेल डन गाइस नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए मैं खूब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी बिल्कुल वेल डन गाइस गाइस अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो जल्दी से झमाझम लाइक तो ही दो लाइक कर दिया तो सेशन के बाद कम से कम दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है बिल्कुल गेंजटिक डॉल्फिन गंगाई डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया ये गंगा हॉली रिवर पवित्र गंगा की प्योरिटी का इंडिकेटर है क्योंकि यह सिर्फ प्योर और फ्रेश वाटर में ही सरवाइव कर पाएगा अगर गंगाई डॉल्फिन उपलब्ध है मतलब वाटर की क्लैरिटी बेहतर है मेघना ब्रह्मपुत्रा नेपाल भूटान बांग्लादेश कर्ण फूली रिवर ऑफ बांग्लादेश क्या भारत के अलावा भी मौजूद है क्रिटिकली एंडेंजर्ड शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके जनसंख्या के डिक्लाइन करने के आइए देखते हैं मुख्य कारण क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइड फ्रेंड्स ध्यान से देखना ऑप्शन सी गैसलिक रिवर डॉल्फिन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड इट इज सेट टू रिप्रेजेंट प्योरिटी ऑफ हॉली गंगा जितनी डॉल्फिन यहाँ उपलब्ध है उतनी वाटर की प्योरिटी है उतना वाटर फ्रेश है इट इनहेबिट्स पार्ट ऑफ गंगा मेघना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर नेपाल भूटान बांग्लादेश अगर मैं एंडेमिक टू इंडिया बोलता भारत के सीमित की बात करता तो यह गलत हो जाता एंड कर्न फोली रिवर इन बांग्लादेश आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में ये मेंशन है इसकी पॉपुलेशन के घटने के मुख्य कारण क्या है भाई गाइज हंटिंग पोचिंग हैबिटेट का डिग्रेशन, पानी के बहाव का कम होना जितनी नदी में पानी का बहाव कम होगा तो रिवर का सिल्ट सेडिमेंट को कैरी करने की क्षमता कम होगी तो वो क्या करेंगी वो अपने सिल्ट को छोड़ेंगी सिल्टेशन की समस्या बैरेजिस के बनने से फिजिकल बैरियर जिंग अ ऑब्स्टिकल इन माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज यानी मानव द्वारा जनित कारण यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है गाइज इन बातों को ध्यान रखेंगे कम ऑन नेक्स्ट लवली क्वेश्चन बिल्कुल पोल्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट लवली नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस आज मैंने थ्री पी एम और फाइव पी एम के ऐप पे फ्री स्पेशल क्लास में मैंने गाइस एलिफेंट लायन टाइगर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए देख लो आप कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और उसी पैटर्न पे पूरी मैंने सीरीज डिफाइन की है मैट फ्रेंड्स अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊं तो फास्ट इज करेक्ट ये स्विम कर सकती है ऊट लोग सोचेंगे ऊट कैसे तैरेगी ठीक ये सर्वाइव करेगी मैंग्रूव पे ये भी सही है कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड कच्छ रीजन की जाट कम्युनिटी राबड़ी कम्युनिटी ये ऊटो के पालने में ही अपना समय व्यतीत करती है सो फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर वन एंड टू ऑनली आपको करेक्ट आंसर पता लगाना था देखिए यहां पे आप खराई कहां मिलेंगी ओनली फाउंड इन द कच्छ रीजन आज मैंने स्पेशल क्लास में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी खूब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया है यही सब सवाल आपके एग्जाम में आएंगे इनके पास खराई के पास एक खास क्षमता है कि वो ड्राई लैंड और सी दोनों पे सरवाइव करेंगी ये उभय चर की तरह बर्ताव करेंगी दे स्विम इन सी वाटर तीन किलोमीटर तक तैर पाएंगी और मैंग्रोव्स की पत्तियों को खाएंगी एक अलग ब्रीड की तरह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसे पहचाना Guys, आपका एंसर गलत हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है क्या आप सीख रहे हो दो दे कैन फीड ऑन ब्रीड ऑन फीड ऑन मैंग्रोव ऑप्शन थ्री करेक्ट नहीं है जहाट और राबड़ी कम्युनिटी एंगेज इन रेजिंग द खराई कैमल सो दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड क्या आप इस ऊट को देखना चाहोगे गाइज अंकिता स्वागत है बेटा आपका हैव लुक ऑन स्क्रीन ये आपको चार्ट कम्युनिटी का ये होनहार बालक आज गर्व महसूस कर रहा है कि भारत के भावी आई एस ऑफिसर्स हमारे बारे में पढ़ रहे हैं स्विम इन सी वाटर लेस अफेक्टेड बाय स्किन डिजीज सिलाइन ट्रीज को फीड करेंगे डाइजेस्ट करेंगे ठीक ये आपको खराई तैरते हुए दिख रहा है मजे आए यस yes, नो no. ठीक ओके गाइस, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले बेहतरीन सवाल पे आइए चर्चा करते हैं गाइस शुक्रिया गौती झमाझम हो रहा है अगर आप झमाझम एंजॉय करोगे लिख जे टू सर जो नए है जेटू मींस झमाझम कहां जाके आप घरियाल को उसके नेचुरल हैबिटेट में गाइस देखोगे चंबल मैड्रेंड बी इज द राइट आंसर चंबल में जाके देखोगे आप है ना बी इज करेक्ट भाई अगर पहले की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सदर्न पार्ट ऑफ भूटान नेपाल ऐतिहासिक तौर पे घरियाल यहां पे मिलती थी क्लियर शुक्रिया रावली थबलुक ऑन स्क्रीन घरियाल प्रीफर्स डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो झीलों में भी मिल जाती हैं, ठीक कुंडों में हिंदी का वर्ड है बांधों में कुंडों में बेंडिंग में ऐतिहासिक तौर पे, पे घरियाल फाउंड इन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एंड सदर्न पार्ट ऑफ भूटान एंड नेपाल ऐतिहासिक तौर पे यहां मिल रही हैं लेकिन आज सिर्फ वाटर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल याद रखेंगे सर्वाइविंग पॉपुलेशन की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम गिरवा यूपी सोन एमपी रामगंगा उत्तराखंड गंडक बिहार चंबल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान एंड महानदी उड़ीसा मेरे प्यारे दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं चंबल बोल के आगे बढ़ जाता उससे बात नहीं बनती मेरे आंखों के तारो राज दुलारो शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन आई यू सी एन रेड लिस्ट याद रहेगा यस और नो मैं आगे वाली सीरीज में आपसे पूछूंगा आप इसका जरूर आंसर करिएगा और अब आपके सामने आ रहा है झमाझम नेक्स्ट क्वेश्चन हैव लुक ऑन स्क्रीन भाई कौन सी वाइल्ड लाइफ कहां उपलब्ध है कहां मिल रही है गाइज ब्लू फिन मशीर बिलोंग्स टू जीनस तोर फ्रेश वाटर फिश मछली है फाउंड इन कावेरी रिवर बेसिन कर्नाटका कर्नाटका के क्षेत्र में यह आपको मिल रहा है पॉल्यूशन लॉस ऑफ हैबिटेट इसकी समस्या है इरावदी डॉल्फिन ज स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन फाउंड इन साउथ एशिया चंबल वाली बात गलत है इट इज नॉट करेक्ट गलत अगर सेकेंड गलत है तो गाइज आगे और देखते हैं कि क्या आंसर होगा रस्टी स्पॉटेड कैट आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में ईस्टर्न घाट में उपलब्ध है ठीक है ना गाइज वन एंड थ्री ऑप्शन होना चाहिए शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या हमारे पास वन एंड थ्री का ऑप्शन है ओ माई गॉड गाइज ये वन था सॉरी फॉर दैट सबको मिलता है बोनस पॉइंट क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है कई बार यूपीएससी भी मिस्टेक करती है बोनस अपने मार्क्स में एक नंबर जोड़ लो और पार्टी कर लो बी इज द राइट आंसर वन एंड थ्री ये टू एंड थ्री के बजाय वन एंड थ्री था मजे आ गए कोई बात नहीं चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जमाजम क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन क्षितिज को लग रहा है सी ओके okay. देखते हैं क्या सही है क्या गलत है राम को लग रहा है बी ओके YouTube को लग रहा है बी इशिका को लग रहा बी राकेश को लग रहा है भी अच्छा माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज सी ओ माय गॉड सी कम लोगों ने ऑप्ट किया जितने लोगों ने सी ऑप्ट किया है बिग थम्स अप टू यू ऑल गाइस फ्रेंड्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन रैमसर कन्वेंशन के तहत इट इज नॉट मेंडेटरी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड ये मैंडेटरी नहीं है फर्स्ट अगर गलत है तो ए गलत हो गया डी गलत हो गया बाय मींस ऑफ थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ठीक अब बचता है दोनों में थ्री है थ्री करेक्ट देखते हैं टू के बारे में जर हाल चाल लेते हैं और आप राइट आंसर निकाल पाओगे इंडिया इज सिग्नेटरी टू रैमसर कन्वेंशन विच स्लॉट्स इरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड कैनाल्स ऑल्सो अंडर वेटलैंड वेटलैंड रूल्स 2010 के तहत रिवर कैनाल पेडीफिल कोस्टल वेटलैंड इसमें नहीं आ रहे थे है ना इट इज नॉट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रैमसर कन्वेंशन सेकेंड भी गलत है थ्री सी ओनली इज द राइट आंसर और समझिए आप रैमसर कन्वेंशन डज नॉट एनफोर्स पार्टीज ये गाइड करता है एनफोर्स नहीं करता

डज नॉट हैव रिवर कैनाल पेडीफी कोस्टल वेटलैंड इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स लेकिन वो रैमसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे बेस्ड नहीं है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं और अगर मैं थ्री की बात करूँ थ्री इज करेक्ट

सॉल्टी हो या दोनों के बीच का ब्रेकिस हो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो लो टाइट पे इसकी 6 मीटर से ज्यादा न हो और झील रिजर्वायर, टैंक लगून एस्टरीज मैन मेड वेटलैंड सब इसके अंतर्गत आएंगी बहुत क्लैरिटी के साथ हम लोग इन बातों को समझ पा रहे हैं गाइज सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ ए बी सी एंसर बोल के आगे नहीं बढ़ूंगा ठीक बल्कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा शिवानंद बेटा रिकॉर्डिंग जरूर देखना सब कुछ ठीक तो है क्या मैं देर आए दुरुस्त आए बोल सकता हूं कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ओ माय गॉड देखते हैं क्या आंसर करते हो आप लोग देखते हैं क्या आंसर करते हो आप लोग क्या नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आपने पढ़ा है वेल well डन दीप सिखा शिवानंद आपने आते ही धमाका कर दी गाइज ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ठीक वन करेक्ट है टू करेक्ट है थ्री नहीं है फोर नहीं है फाइव करेक्ट है सिक्स करेक्ट है ठीक आइए इस बात को और ध्यान से समझते हैं हैव लुक ऑन स्क्रीन जैव इधन बायोफ्यूल्स। अगर मैं जैव इधन की बात करूं बायोफ्यूल्स की बात करूं आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड यूज इन प्लेस और इन ब्लेंड विथ डीजल पेट्रोल और अदर फॉसिल फॉर ट्रांसपोर्ट स्टेशनरी पोर्टेबल एंड अदर एप्लीकेशंस। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों हैं जितने सुगर कंटेनिंग मटेरियल्स हैं सुगर केन, गन्ना सुगर बीट स्वीट सोरगम जिसमें स्टार्च है माड़ है कॉर्न, कसावा सड़े हुए आलू एलगीज ऑल दिस आर रिच सोर्स गुड इवनिंग प्रकाश कैसे है आप इस बार आपको टॉप करना है आई ए एस पिछली बार आप कुछ मार्क्स चुक गए थे इस बार मेहनत करेंगे प्रकाश रावत गाइज कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट बैगेज वुड वेस्ट एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू और अदर रिन्यूएबल सोर्सेस डैमेज व्हीट ग्रेन राइस वीट, स्ट्रॉ, कॉन ये सब इसके इसकेम्पॉर्टेंट स्रोत हैं और इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे गाइस, इतनी बात समझ में आ रही है पेज इज़ ओके या और फास्ट करूँ अगर हमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया गाइस, तो जल्दी से लाइक कर लेंगे जिनके आंसर गलत हो रहे हैं वीडियो को डिसाइक नहीं करेंगे बड़ी कड़ी मेहनत है इसके पीछे कम ऑन द थर्टीन क्वेश्चन गाइस अगर इस क्वेश्चन पे आए बहुत प्यारा क्वेश्चन है माटर फ्रेंड्स राइट आंसर इज डी नाइदर वन नॉर टू दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है है ना चिंता की बात बात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की हो रही थी एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन बट पेनाल्टीज आर लोअर नहीं वन और टू दोनों के पास एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है एंड ऑफेंसेस अंडर वन एंड टू आर प्रिस्क्राइब हाइस्ट पेनाल्टीज इनको हाइएस्ट पेनाल्टीज हैं निकोबार मेगापॉट ब्लैक बग शेड्यूल वन में है नॉट इन शेड्यूल टू सो डी इज द राइट आंसर नाइदर वन नॉर टू आइए गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू में सिक्स शेड्यूल लिस्ट है एक्टिविटीज लाइक पोचिंग स्मगलिंग इलीगल ट्रेड लिस्टेड टू शेड्यूल वन टू फोर आर प्रोविटेड एक से चार तक प्रोविटेड है स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट एनिमल्स जो शेड्यूल वन और टू में है एंड पार्ट टू ऑफ शेड्यूल टू हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन शेड्यूल इज आल्सो नॉट करेक्ट सृजन क्यों शेड्यूल वन में लाइन टेल मकाक, राइनो ग्रेट इंडियन बॉस्टर्ड जो अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है नरकुंडम हॉर्नबिल न्यूकोबार मेगा पॉड और ब्लैक बग शेड्यूल वन में है नॉट इन टू और टू की बात करूं तो रिसस मकाग, किंग कोबरा ढोल फ्लाइंग स्क्रल हिमालयन ब्राउन बियर दीज आर मैं अंडर शेड्यूल टू याद रहेगा ये मैं आपसे उम्मीद रखूं यस और नो कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स Which among the following plant species have been extinct from India? My friends, Agar is question. So D is the right answer one, two and three. Take as per botanical survey of India. बी एस आई जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है कोलकाता जुलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है गाइस लिसन वेरी केयरफुली ठीक ये क्या है ये एक फर्न है मणिपुर में डिस्कवर हुआ बाई जॉर्ज वाट इसीलिए नाम पड़ गया वाटाई और वाटी मणिपुर में कोराइफा यह एक ऑफ्यूराइजा स्पीसीज का मेंबर है फ्लावरिंग प्लांट है कॉफी फैमिली का पेनिन सुलर इंडिया का ठीक ये वाला ऑफ्यूराइजा कोराइफा एक पाम स्पीशीज है discovered in Myanmar and Bengal region. This is member of palm species. ये coffee family का member peninsular India का कहाँ का peninsular India. So guys ये भी extinct तीनों के तीनों extinct हो चुकी हैं ये आप ध्यान से देखें And my friends सो िस वाटाई अ फ़र्न इन मणिपुर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज वाट लुप्त हो चुका है ऑफ्यूराइजा जीनस ऑफ्यूराइजा फ्लावरिंग प्लांट ऑफ कॉफी फैमिली डिस्कवर्ड इन पिलिशल इंडिया लुप्त हो चुका है कोराइफा पाम स्पीसीज म्यांमार एंड बेंगोल रीजन विलियम रॉक्सबॉर्ग ने खोजा था ये भी लुप्त हो चुका है नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बिल्कुल फ्रेंड्स स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट फोटोवल्टिक सेल कॉमनली कॉल्ड ए सोलर सेल इज ए नॉन मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स सन लाइट डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिसिटी है ना किस फॉर्म में इन डायरेक्ट करेंट जो बाद में डायरेक्ट करंट इन्वर्टर से कन्वर्ट होता है अल्टरनेटिव करंट, तो ये एसी के बजाय डीसी में करता है इसीलिए गलत है ये नॉट डायरेक्टली इनटू एसी, स्टेटमेंट वन गलत है तो ए गलत और डी गलत ओनली द एब्सॉर्ब फोटोन बाय पीवी सेल फोटो सेल प्रोवाइड एनर्जी टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज से टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग हंड्रेड जी तो सिर्फ सोलर का है विंड का तो ये भी गलत हो गया गाइज बी टू ऑनली इज द करेक्ट आंसर टू ऑनली इज द करेक्ट आंसर मैट फ्रेंड्स आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और अपना फीडबैक जरूर दें का ऑफर सेवेंटीन सेप्टेम्बर तक का टेन प्लस टेन परसेंट का ऑफर चल रहा है टेन परसेंट स्पेशल डिस्काउंट टेन परसेंट विद द कोड अजीत लाइव गो फॉर द कॉम्बो ऑफर आपके लिए बेहतरीन है और गाइस नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है इसे आप ज्वाइन करें यूज कोड अजीत लाइव फॉर अन अकेडमी एंड माइड फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें नॉट इन द चैट सेक्शन बट इन द कमेंट सेक्शन और क्या मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें God bless you all. See you tomorrow.